हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पास है रियलमी बर्ड्स एयर 3। इसका हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, माइक टेस्ट करने वाले हैं और साउंड टेस्ट भी करेंगे और इसका लेटेंसी कैसा है, गेमिंग टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ हम लोग करने वाले हैं। इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो आप लोग को रियलमी बर्ड्स एयर 3 का कम्प्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग का ईयरफोन फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर आ गया है, क्योंकि हम लोग इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं तो फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर आ गया है। इसको हम लोग जल्दी से कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग पास आ गया है रियलमी बर्ड्स 3। इसके ऊपर प्लास्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको हम लोग जल्दी से कट करके हटा लेते हैं। तो सब चीज़ को हटा दिए हैं, ऊपर में देख सकते हैं रियलमी बर्ड्स एयर 3 लिखा गया है और सामने से आप लोग लुक दे दिया गया है किस टाइप का आप लोग को ईयरबड्स मिल रहा है। और पीछे की तरफ देख सकते हैं आप लोग सारा हाईलाइटेड फीचर सब दिया गया है, जिसको आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इस सब के बारे में इन डिटेल्स बात भी करूंगा। तो जल्दी से हम लोग इसको ओपन करते हैं और प्रोडक्ट सबको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पास ईयरफोन आ गया है, इसको हम लोग रखते हैं साइड में। और यहाँ पर हम लोग कुछ पेपर वर्क दे दिया गया है, यूज़र मैनुअल दे दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आप लोग यूज़र मैनुअल मिल जा रहा है। और आप लोग को इसके अंदर टाइप सी केबल मिल जा रहा है जिससे आप लोग इसको चार्ज करना है और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दे दिया गया है। अब हम लोग अपने ईयरफोन के केस के ऊपर आ गए हैं। ये चार्जिंग केस कम कैरिंग केस है, जो कि आप लोग कुछ इस टाइप का दिया गया है। सामने से कुछ इस टाइप का लुक मिल जा रहा है। बॉटम की तरफ देख सकते हैं आप लोग को टाइप सी पोर्ट मिल गया, यहाँ से आप लोग चार्ज करना है। और ऊपर की तरफ आप लोग देखते हैं रियलमी का ब्रांडिंग दे दिया गया, जो कि काफ़ी शाइनिंग लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा सा डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग के साथ। इसको जैसे हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे एक LED लाइट जल रहा है, ये आप लोगों को सारा कुछ इंडिकेट करेगा। इस साइड में आप लोग को एक बटन मिल जा रहा है, जिसको आप लोग क्लिक करके पेयरिंग मोड में जा सकते हैं। और इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे ईयरफोन रखा गया है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो आप लोग देखते हैं कुछ इस टाइप का आप लोगों को ईयरफोन दे दिया गया है, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लुक है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और इसमें आप लोगों को एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल रहा है, जिसको हम लोग टेस्ट भी करेंगे और कैसे काम कर रहा है, ये सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। और नीचे में आप लोग देखते हैं चार्जिंग पॉइंट दिया गया, जो कि आप लोग यहाँ पे चार्ज करेगा। इसको केस में जैसे डाल दीजिएगा तो ये चार्ज करेगा। यहाँ पे आप लोग नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और लेफ्ट एंड राइट लिखा गया है छोटा छोटा करके। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को लुक मिल जा रहा है ईयरफोन का, जो कि आप लोग देखते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन बनाया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को रियलमी लिंक ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, साइड बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिएगा व्हाइट लाइट जलेगा। उसके बाद आप लोग ब्लूटूथ सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को रियलमी बर्ड्स एयर 3 बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग इसको पेयर कर दीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ के साथ पेयर हो जाता है, उसके बाद अपने ऐप के अंदर जाइए, वहाँ पे आप लोग जाके लिंक डिवाइस कर दीजिए। लिंक डिवाइस कर दिएगा तो फिर आप लोग ऐप के थ्रू सारा कुछ कंट्रोल कर पाइएगा। तो लिंक कर दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक ऑप्शन आ गया है, पहला ही ऑप्शन, जिसमें लिखा गया है कस्टमाइज ऑडियो ट्यूनिंग। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा रहा है ऑडियो डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, इस टाइप का लिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ईयरफोन को कान में पहन लेता हूँ, उसके बाद ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर मैं पहन लिया हूँ और यहाँ पर कुछ बीप टाइप का साउंड वगैरह सुनेगा तो येस एंड नो में आप लोग को जवाब देना है। उसके बाद आप लोग को कस्टमाइज ऑडियो ट्यूनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को 5 मिनट का टाइम लगेगा, मैं यहाँ पर सारा कुछ कर लेता हूँ। आपका हियरिंग के हिसाब से यहाँ पर ट्यूनिंग हो गया है, ये काफ़ी अच्छा फीचर आ जा रहा है। आप लोग को कस्टमाइज ऑडियो ट्यूनिंग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं कर दिया हूँ। अब हम लोग ऐप के अंदर आ गए, यहाँ पे आप लोग जैसे रियलमी बर्ड्स एयर 3 लिखा गया है और परसेंटेज दिखा रहा है आप लोगों कितना चार्ज है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग जैसे सारा कुछ फंक्शन लोड हो गया है। यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन मोड में है, आप लोग चाहें तो इसको ट्रांसपेरेंट मोड में भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग को बाहर का जो भी साउंड वगैरह रहेगा क्लियरली सुनाई देगा, और नॉइस कैंसिलेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड भी है तो उसमें भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, या फिर आप लोग नॉर्मल में भी जा सकते हैं। यदि ये सब आप लोग को ऐप के थ्रू चेंज नहीं करना है तो आप यहाँ पे टच कंट्रोल के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ तो ये देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट मोड में चला गया, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मोड में चला गया है। फिर मैं होल्ड करके रखता हूँ, आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन मोड में चला गया है। यहाँ पे आप लोग जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग विंड का नॉइस रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बेस आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को बैलेंस्ड है और ब्राइट भी है तो आप लोग जिस भी मोड में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। फिर गेमिंग मोड है, यदि आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं। फिर डुअल डिवाइस कनेक्शन मोड है और यहाँ पर आप लोग को सारा कुछ दिया गया है। और यहाँ पे बटन सेटिंग सब को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग ऐप के थ्रू काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आप लोग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो आप लोग को फॉर्मवेयर अपडेट वगैरह भी रहेगा तो वो भी अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मैं इंस्टॉल किया था तो फॉर्मवेयर अपडेट था
तो वो भी अपडेट हो गया है। तो आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फीचर सबको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका माइक क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो इसी का माइक से रिकॉर्ड किया गया है। तो आप लोग किस टाइप का साउंड मिल रहा है आप लोग यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं। तो यदि आप लोग गेम खेलते हैं उस टाइम यदि आप लोग बात करते हैं या कॉल करते हैं तो कुछ इस टाइप का आप लोगों को वॉइस जाएगा। इस ईयरफोन में आप लोग को लो लेटेंसी मिलता है, तो यदि आप लोग गेमिंग मोड ऑन करके गेम खेलते हैं तो आप लोग लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं। इस ईयरफोन से मैं कुछ गाना वगैरह सुन रहा था, मूवी देख रहा था, वेब सीरीज देख रहा था, तो मुझे साउंड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लगा है और बीट वगैरह भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यदि आप लोग को ज़्यादा बेस पसंद है तो आप लोग बेस बूस्ट मोड भी है तो उसमें आप लोग चले जाएगा तो आप लोग का बेस ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और अच्छा बेस आएगा। तो आप लोग यदि बेस लवर हैं तो आप लोग बेस बूस्ट मोड में जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे बैलेंस मोड ज़्यादा पसंद आया। उस मोड में मैं गाना वगैरह सुना और मूवी वगैरह देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें आप लोग को 42 dB का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिल जाता है। मैं इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑन करके गाना सुन रहा था, उस समय मैं फ़ैन भी चल रहा था तो फ़ैन का आवाज़ एकदम नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ म्यूज़िक का साउंड आ रहा था और म्यूज़िक को मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर पा रहा था। तो इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। तो ओवरऑल ये साउंड क्वालिटी के मामले में, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के मामले में, लेटेंसी के मामले में काफ़ी अच्छा ईयरफोन हो जाता है। और मैं इसका कुछ हाईलाइटेड फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आप लोग को ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का मिल जा रहा है। इसमें आप लोग को 10mm का डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जा रहा है और ये ईयरफोन IPX5 का वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। अब मैं इसका बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसका यदि आप लोग नॉइस कैंसलेशन एक्टिवेट करके रखते हैं तो आप लोगों को 5.5 घंटा का बैटरी बैकअप दे देगा। सिर्फ ये ईयरफोन केस के साथ 22 घंटा का बैटरी बैकअप देगा। और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को ऑफ कर देते हैं तो आप लोग को केस के साथ 30 आवर का बैकअप दे देगा और खाली ईयरफोन 7 आवर का बैटरी बैकअप दे देगा। इस ईयरफोन और केस को कम्प्लीटली चार्ज करने में 1.5 घंटा का टाइम लगता है। इस ईयरफोन का दाम है 3,999 rupees और आप लोग को फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। और दो कलर वेरियंट में मिलता है, एक ब्लू और एक वाइट, दोनों आप लोगों को ऑप्शन फ्लिपकार्ट के अंदर मिल जाएगा और इसका दाम है 3,999 rupees। तो ओवरऑल ये ईयरफोन कैसा है? ईयरफोन काफ़ी कमाल का है। 4000 के लिए आप लोगों को काफ़ी अच्छा ईयरफोन मिल जा रहा है। इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन काफ़ी अच्छा काम करता है, इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, माइक क्वालिटी भी अच्छा है और आप लोगों को लो लेटेंसी मोड भी मिल जा रहा है, यानी कि आप लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो ओवरऑल ये कम्प्लीट पैकेज मिल जा रहा है रियलमी की तरफ से, रियलमी बर्ड्स एयर 3, जो कि काफ़ी कमाल का ईयरफोन हो जाता है। 4000 के रेंज में मिल जाता है। आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं। काफ़ी कमाल का ये ईयरफोन आ जा रहा है रियलमी की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं, जब लोग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सबसे पहले कौन दबा के ऑल भी कर दीजिए, आसानी से मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। बाबा टाटा मिलेगी फिर शोर में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके, तब तक लिए देखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक लिए गुड बाय।